मेरे को तो ऐसा लग रहा था बिकॉज मी एंड भाई शेयर्ड अनदर लेवल का बॉन्ड ओनली. तो जब उनका बर्थडे था और मुझे पता चला कि उनको किसी सांप ने भी काट लिया, आई वॉज लाइक यार मेरा बहुत मन है कि मैं उनसे जाऊँ, उनसे मिलूँ और यू नो थोड़ी बातें करूँ. एंड आई विश हिम फ्रॉम माई हार्ट बिकॉज मेरे को दिल से उनको विश करने का दिल था, बट ऑब्वियसली भाई इज़ भाई. सो आई जस्ट पोस्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट वॉज इट. लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे मिलूँ और उनको विश करूँ. बिग बॉस के घर के बाहर से आप जब गेम देख रहे हो तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो रॉन्ग जा रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से राखी रॉन्ग जा रही थी बिकॉज राखी इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग है. और जब मैं घर में था वो बिल्कुल डेवोन की बात सुनती थी. अभी एक्चुअली थोड़ी बार आ रही है उसे शेल से, बट आई थिंक डेवोन अभी तक शुक्ला डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग पाथ इन माई ओपिनियन. राखी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर नाउ, उसका दिमाग अभी यूज़ कर रही है थोड़ी. जो मैं बहुत पसंद करता हूँ वो जो राखी सावंत है, पर मैं हैप्पी नाउ शी इज़ कमिंग बैक इन टू हर ओन. So he was the one, जब हम घर के अंदर थे, you know what he used to say, he was like कि I wish राखी सावंत आ जाए, I wish राखी सावंत आ जाए. I was like but why, already इतना ज़्यादा madness चल रहा है घर में, अब राखी सावंत भी आ जाए. तुम लोग शांत था, मैं ही mad था, मुझे चित्र का और mad घर में सता गया. So definitely अब मैंने Instagram पे definitely I have been following colors, तो मैंने देखा है कि राखी सावंत और यही अभिनव बेचुकले हैं, तो ये दोनों बिल्कुल ही मतलब कम्प्लीटली अभिजीत सॉरी, सो दे आर कम्प्लीटली लाइक यू नो गोइंग मैड ओनली. मतलब क्यों अभिजीत का मैंने कुछ देखा, ही सेड समथिंग टू शमिता, नो इतना चीज बोलते शमिता को लोग थक चुका हूँ देख देख के उसका. But you know what, I think these two names only. So New Year भी आने वाली है, किस तरह से celebrate करने वाले हैं आप? न्यू ईयर मेरा मन तो बहुत था कि मैं घर वालों के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे अभी थोड़ा सा यू नो आ रहा है यहाँ पे और ज़्यादा काम का, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, ये सब. तो आई एम लाइक कि फर्स्ट आई शुड फोकस ऑन वर्क, और जैसे ही मेरे को कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है देन आई एम डेफिनेटली गोना गो एंड सी देम. मेरा आई थिंक शिल्पा और शमिता के फैमिली के साथ, मतलब आई थिंक 8 साल से हर न्यू ईयर हम साथ में लंदन में मनाते हैं और ये सब यहाँ हूँ, ये लोग भी यहाँ हैं. तो आई थिंक मम्मी मेरी नहीं है बट ऑब्वियसली शिल्पा शिल्पा इन द फैमिली. जब आप घर से बाहर निकले और शिल्पा मैम के साथ ये सब बातें होती होगी बिग बॉस की, क्या उनका रिएक्शन होता है? वो तो बहुत चिल्ड है, वो कितना मजा आया तुमको, हाउ शमिता डूइंग, अच्छा खेल रही, वो तो बहुत मस्त है शिल्पा. शी इज एंजॉइंग द होल प्रोसेस, शी इज प्राउड ऑफ शमिता, आई एम प्राउड ऑफ शमिता, शी इज प्राउड ऑफ मी, बहुत मुझे प्यार दिया पूरा फैमिली ने. तो आई मीन शी इज एंजॉइंग, शी इज प्राउड ऑफ शमिता. लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? Thank you to all the fans. Please keep supporting. Please blessing. We love you. I love you all. I'm sure I know he loves you all also. Okay, please give us all the love and we love you so much and thank you for all the support and love. Thank you so much. तो मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इतना सारा प्यार दिया. लेकिन मैंने एक चीज़ जो घर से सीखी है, मैंने ये चीज़ सीखी है कि यार ज़िंदगी में ना डोंट लुक फॉर द प्लेटफॉर्म, डोंट लुक फॉर कि कौन इंसान है, डोंट लुक फॉर कि कितना बड़ा चीज़ है, कितना बड़ा बिजनेस है. जो दिल बोलता है बस यार उतना ही करा करो, क्योंकि दिल से खुशी जो आपको सुकून मिलता है वो आपको वही करके मिलता है जब आप वो करते हो जो आपका वाकई में दिल होता है, जो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करें दिल के अंदर. जस्ट गो विद दैट, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, आप अपना काम करो और जो दिल बोलता है बस उसकी सुनो. मैं बस यही बोलना चाहूँगा. Thank you so much. Thank you. Thank you.